हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अपने लर्न इम्परफेक्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं सुमन सिंगला आज आपके लिए थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से कहते हैं, बहुत ही 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आज मैं बहुत ही इजी वे से आप सबके लिए लेकर आई हूँ, ताकि आपको इजी वे से अच्छे से समझ आ जाए। तो समझने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली हरेक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और उसको आते तुरंत देख कर आप उसको अच्छे से समझ सके और अपने डाउट्स क्लियर कर सके। थेल्स थ्योरम, जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। तो क्या है इसको अच्छे समझ, इसको मैं लिखा इंग्लिश में है, लेकिन इसको मैं अच्छे से आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है। इंग्लिश में लिखना बहुत इजी है, समझना भी इजी है। तो क्या है, इफ ए लाइन इज ड्रान पैरेलल टू ए वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो हमने सबसे पहले एक ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ करना है। ए बी सी हमें ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, तो एक लाइन जो है, ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की एक साइड बी सी, इस बी सी के पैरेलल हमने एक लाइन डी ई ड्रॉ करी है। बी सी तो ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मीन्स डिफरेंट पॉइंट्स। तो बाकी की जो दो लाइन्स हैं ए बी और ए सी, ये दो साइड्स हैं ए बी कूल, ये वाली लाइन डी ई लाइन डी पॉइंट पे कट कर रही है और इंटरसेक्ट कर रही है, और ए सी साइड को डी ई लाइन ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यही हमने कहा है, तो हमने प्रूफ क्या, ये हमें गिवन दिया हुआ है, हमने प्रूफ क्या करना है, the other sides are divided in the same ratio, तो जो दूसरी साइड्स हैं AB और AC, ये दोनों सेम रेशियो में डिवाइड होती हैं। इट मींस हमको के प्रूफ करना है AD बटे ओवर DB इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी, तो ये हमने प्रूव करना है। तो हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। हमें गिवन है ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए लाइन डी ई पैरेलल टू बी सी इन सच ए वे दैट लाइन डी ई cuts sides of a triangle AB at point D and side AC at point E. तो इसलिए हमने गिवन में लिख लिया है कि इन ट्राइंगल ए बी सी ए लाइन डी ई इज ड्रॉन पैरेलल टू बी सी इन सच ए वे दैट लाइन डी ई कट्स साइड्स ए बी एट पॉइंट डी एंड साइड ए सी एट पॉइंट ई। तो हमें अब प्रूफ क्या करना है, हम वो भी प्रूफ दैट कि रेशो ऑफ देयर साइड्स आर इक्वल, तो ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इसे हम प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन बी ई एंड सी डी, हमने बी ई को ज्वाइन करना है, एक ही ट्राइंगल बन जाएगी फिर इधर से, और सी डी को ऐसे ज्वाइन करना है। इसके अलावा हमने ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, ई एफ हमने परपेंडिकुलर ए बी साइड पर ड्रॉ करना है, और डी एम परपेंडिकुलर हमने ए सी लाइन पर ड्रॉ करना है। तो ये कंस्ट्रक्शन करके अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, इसलिए अब हम इसमें एक ऊपर वाली ये वाली ट्राइंगल लेते हैं ए डी ई, ये वाली ट्राइंगल ए डी ई, इस ट्राइंगल में ए डी हमारा बेस है, तो फार्मूला बन गया 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है
ए डी और हाइट क्या है, ये परपेंडिकुलर लिया तो ये अपनी बन गई हाइट ये वाली, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, तो ये नीचे वाली जो हमने कंस्ट्रक्शन करके ये वाली बनाई है ट्राइंगल, ये देखो एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, इसकी हाइट कैसी होगी इसको मैं तुम्हें अलग से भी ड्रॉ करके दिखा देती हूं। कि जैसे हम ये वाली एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ड्रा करते हैं ऐसे, तो इसमें ये बन गया बी डी और ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ये बन गई बी डी ई, ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, इस ऑब्ट्यूज ट्राइंगल को मैंने तुम्हें अलग से भी ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये बन गई बी डी ई एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में हमारे ऊपर यहाँ से हाइट कहीं होती नहीं है, तो इसको हाइट को बनाने के लिए हमें अलग से हमें हाइट ड्रॉ करनी पड़ती है, इसीलिए इस ट्राइंगल में ये वाली जो है अपनी हाइट है ई एफ और बी डी अपना बेस हो गया। सिमिलरली हम ऐसे ही द्वारा लेते हैं ये ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू 1/2, इसका अब ये बेस लेंगे ये वाला ए ई और इसकी हाइट लेंगे ये वाली जो हमने सेकंड परपेंडिकुलर खींचा डी एम, ये मैंने आपको दोबारा से डार्क करके दिखा दी है सी डी ई, ये हमारी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, इसको मैंने अलग से तुम्हें ड्रा करके दिखाई है ताकि अच्छे से पहले की तरह समझ आ जाए कैसे कि ये ट्राइंगल बेस है ई सी और ये हमारी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये 120 135 कुछ भी हो सकता है। तो यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसको मैंने यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके दिखा दिया डी एम परपेंडिकुलर टू ई एम, तो ऐसे ही ये हमारी ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या बनेगा सी डी ई का 1/2, बेस बन गया ई सी और हाइट बन गई डी एम, तो ये हमारा सेकंड नंबर हो गया। तो इसमें बहुत इजी है, ये दोनों ई एफ से कट जाएंगे, 1/2 1/2 से कट गया और हमारा बच गया ए डी बटे बी डी, ये हमारा ये बच गया एक नंबर, और ऐसे ही 1/2 1/2 से कट गया और डी एम से कट गया और हमारा बच गया ए ई बटे ई सी, ये हमारा सेकंड नंबर बच गया। तो ये दोनों नंबर को हम अब इसको हमने प्रूव करेंगे कैसे आगे। वी नो दैट ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई, ट्राइंगल बी डी ई ये वाली बी डी ई ये वाली ट्राइंगल और ट्राइंगल जो डार्क वाली बनाई है ट्राइंगल सी डी ई, बोथ आर ड्रॉन ऑन द सेम बेस डी ई, ये वाली दोनों ट्राइंगल्स डी ई सेम बेस पर है, ये वाली ट्राइंगल छोटे को ये वाली ऑब्ट्यूज ट्राइंगल दूसरी ये डार्क वाली, ये दोनों ही सेम बेस पर है। अगर देखो कि मैं इसको आपको अच्छे से दिखा देती हूं, ये वाली ट्राइंगल और इधर से अगर हम देखते हैं तो ये वाली ट्राइंगल ये बड़े वाली, ये दोनों ही सी डी ई और बी डी ई बोथ आर ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, कौन सी पैरेलल लाइंस डी ई और बी सी, इन दोनों डी ई एंड बी सी पैरेलल लाइंस के बिटवीन दे आर ड्रॉन, सो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई आर द सेम, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, दोनों के ट्राइंगल्स के एरिए सेम है क्योंकि उनकी बेस दोनों की कॉमन है डी ई।
हमने अभी पता किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई और एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई बोथ एरिया आर इक्वल बिकॉज दे आर मेड ऑन द सेम बेस डीई, इसलिए देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल टू एडी बटे डीबी, हमने वही ऊपर से वो प्रूव किया है प्रूव अबव। और ऐसे ही एरिया और इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई इज इक्वल टू एई बटे ईसी, हमने ऊपर अभी प्रूव किया है। तो ये उनको हम नंबर एक और दो दिया है और एक और दो को देखते हुए कि हमारा बीडीई एरिया सीडीई के बराबर है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई। इसी तरह हम एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई की जगह पर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई लिख लेंगे। तो हमारा इस वाली जगह पे आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। तो इस तरीके से हम जब हमारी ये दोनों लेफ्ट साइड्स बराबर हो गई इक्वल हो गई तो हमारी राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगी, इसलिए फ्रॉम वन एंड टू इफ लेफ्ट साइड इक्वल राइट साइड आर आल्सो इक्वल और ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू ए ई बटे ई सी। तो इस तरह हम यही हमने प्रूव करना है प्रूव्ड। तो इसलिए हम इसको बहुत इजी वे से प्रूव कर सकते हैं कि ये साइड जो है प्रोपोर्शनल इक्वल होंगी एडी बटे डीबी एई बटे ईसी, यही हमको प्रूव करना है। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा अच्छे से बार बार ड्राइंग करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला ही हमने इसमें अप्लाई किया है। इसको बार बार करने से हमने कॉपी पर लर्न करेंगे बार बार लिख के तो अच्छे से हमें करने की प्रैक्टिस हो जाएगी और हमें भूलेगी भी नहीं, तो इसलिए हम इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो लगता है कि आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी, तो आप इसको अच्छे से समझकर वीडियो को लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ताकि मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो इसको खूब अच्छे से करना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।